हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बन रहा है ये नमक पारे या मट्टी की रेसिपी, जो गर्मा गर्म चाय के साथ आप कर सकते हैं एंजॉय, स्टोर करके भी रख सकते हैं। और अगर आप भी ऐसे ही बनाते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैंने ले लिया है मैदा और उसमें ऐड कर रही हूँ अजवाइन, नमक, खाने वाला सोडा, ब्लैक पेपर एंड ऑयल। ऑयल हमें थोड़ा ज्यादा ही रखना है, तभी उससे एक बहुत अच्छा सा फोफर सा टेक्सचर आता है, खाने में बहुत ही डिलिशियस लगता है। गर्मा गर्म चाय के साथ आप इसे जरूर इंजॉय करें। तो ये देखिए, हाथों से अब मैं उसको क्रम्बली टेक्सचर का बना रही हूँ। बहुत हार्ड हमें इसका मैदा रखना है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल करके भी मैं इसे और अच्छे से गूंद रही हूँ। तो देखिए कितना क्रम्बल हो गया है कि आप उसे ऐसे हाथों से इकट्ठा करेंगे तो वो ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे। बस अब इसे मैं गूंद लूंगी, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम हार्ड इसे हमें डो लगाना है। एकदम सिंपल बेसिक सी ये रेसिपी है, अगर आप ऐसे ही बनाते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ये देखिए मैदा कितना हार्ड हो गया है, एकदम क्रैक्स आ गए हैं इसे। बस आधे घंटे तक कवर करके मैं इसे साइड रख लूंगी। ये मैंने पेड़े रेडी कर लिए थे, इसके बाद आप चाहें तो छोटे छोटे पेड़े रेडी करके उसको रोल आउट कर सकते हैं। मैंने ये बड़े पेड़े रेडी किए हैं ताकि मैं एक बार में ही ज्यादा बना सकूं। तो ये देखिए बस इसे बेल लूंगी। थोड़ा थोड़ा मैदा बीच में लगाकर इसे अच्छे से मैं पतला सा बेल लूंगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये, बिगनर्स भी इसे ट्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं या फिर चाय के साथ आपको कभी भी कुछ स्नैकिंग करने की क्रेविंग हो तो एक बार इसे जरूर बनाइएगा। और अगर ऐसे ही बनाते हैं एकदम सिंपल तरीके से तो भी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ये एकदम शार्प नाइफ से मैं उसे अब कट कर रही हूँ। मेक श्योर आपकी नाइफ एकदम शार्प हो, तभी ये बहुत अच्छे से कट जाते हैं, वरना चिपकने लगते हैं। तो ये देखिए कुछ ऐसे, बस अब स्लांट में भी इसे कट कर लूंगी। अब इसे स्लांट में भी मैं ऐसे ही कट कर लूंगी और नाइफ के ही मदद से मैं सारे इसे निकाल लूंगी। हाथ से नहीं निकालना है वरना ये चिपक सकते हैं, फिर हमें इसे फ्राई करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं सारे निकाल लूंगी। ये मैंने पहले ही ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था, अब एकदम गरम हो गए हैं। अब इसे सारे में मट्टी ऐड कर दूंगी और इसे फ्राई करूंगी जब तक ये खूब ज्यादा खस्ता और करारे ना हो जाएं। तो ये देखिए पलट पलट कर इसे ऐसे चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है। और जब लगे कि ये थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा है तो हमें फ्लेम को लो कर देना है और इसे कॉन्टिन्यूसली स्टर करते रहना है ताकि एक बहुत अच्छा सा कलर आ जाए इसमें, व्हीटिश सा कलर, एंड खाने में बहुत ही खस्ता और टेस्टी रहे। तो ये देखिए हो गया रेडी एकदम फटाफट से। बस इसे कर लेंगे प्लेट में ट्रांसफर, गर्मा गर्म सर्व करें या फिर स्टोर करके खाएं। 1 से 2 महीने तक भी आप इसे स्टोर करके खाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, चाय का टेस्ट बढ़ा देते हैं ये बहुत ही टेस्टी नमक पारे। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। देखिए कितने खस्ते और कितने थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।